ये सामने दिख रहा है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब इसके अंदर मुझे अपने डेटाबेस को ढूंढना है, तो डेटाबेस पे प्लस क्लिक कीजिएगा तो डेटाबेस स्पैन हो जाएगा। अब मेरे साथ कई सारे डेटाबेसेस है, बट मैं IPT वाले डेटाबेस पे जाता हूँ और डेटाबेस के अंदर होता है टेबल्स और टेबल्स में होते हैं डेटा। तो मान लीजिए मुझे इस डेटा टेबल का डेटा देखना है, तो कैसे करें? तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट टॉप 100 रोज करेंगे तो यहाँ सारा डेटा नीचे आ जाएगा। जी हाँ, सिंपल। या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूरी, कौन सा क्यूरी? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम IPT.DVO.data। अब ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि कई सारे डेटाबेसेस हैं और कई सारे टेबल्स हैं, तो यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है। उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट कीजिएगा, यहाँ पे नीचे आपको डेटा आ जाएगा। अब मुझे इस क्यूरी को सेलेक्ट करके कॉपी करना है या किसी और नई फाइल में ले जाना है तो ले जा सकते हैं।